नमस्कार, खबरें जरा हटके में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज हम आपको बताएंगे कि 8 फीट लंबे अजगर का किस तरह सीटी स्कैन किया गया। जो इंसानों का सीटी स्कैन होना आम बात है, लेकिन किसी जानवर का सीटी स्कैन किया जाए तो हैरान करने वाली बात होगी। और आश्चर्य की बात यह है कि ये घटना विदेश की नहीं बल्कि भारत की है। ओडिशा के भुवनेश्वर में 8 फीट लंबे एक अजगर का सीटी स्कैन किया गया। उसे भुवनेश्वर से 130 किलोमीटर दूर क्योंझर जिले के आनंदपुर से गंभीर हालत में बरामद किया गया था। देश में सांप के सीटी स्कैन की संभवतः पहली घटना है। अजगर के में लगी चोट का पता लगाने के लिए ओडिशा के एक प्राइवेट क्लिनिक में सीटी स्कैन किया गया। वन विभाग के कर्मचारियों ने सांप को 4 दिन पहले भुवनेश्वर से 130 किलोमीटर दूर क्योझर जिले के आनंदपुर से गंभीर हालत में बरामद किया था। इसके बाद वन विभाग की टीम ने इसे स्कैन हेल्पलाइन को सौंप दिया और अजगर को गंभीर हालत में ओडिशा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी में लाया गया। वहां सबसे पहले इसका एक्सरे किया गया, फिर चोट का सही पता नहीं लग पाने के कारण उसका सीटी स्कैन कराया गया। स्नैक हेल्पलाइन के शुभेंद्र मलिक ने बताया कि कई मेडिकल विशेषज्ञों से सलाह लेने के बाद अजगर की चोट का पता लगाने के लिए सीटी स्कैन का सहारा लेना पड़ा। सीटी स्कैन में अजगर के सिर में गंभीर अंदरूनी चोटों का पता चला है। फिलहाल यहां अजगर स्कैन हेल्पलाइन की देखरेख में है।